देखो मित्रों, आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की फेमस मसाला बाटी, लच्छेदार मसाला बाटी। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो हम बता रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप सूजी और तकरीबन 400 ग्राम आटा और 1 कटोरी बेसन और इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक और अच्छे फ्लेवर और कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी और दरदरा किया हुआ ये साबुत धनिया और ये थोड़ी सी अजवाइन और ये है थोड़ा मीठा सोडा और ये थोड़ी सी सौंफ। और सबको मिक्स कर दिया जाए। ये थोड़ा सा पिघला हुआ घी, घी कोई सा भी हो सकता है, गाय का भैंस का, अपने स्वाद अनुसार। अब ये सबको मिक्स करके एक कटोरी छाछ इसके अंदर डालेंगे ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। ये छाछ डाली जा रही है। अब इस पूरे को बैटर को अच्छे से तैयार करके टाइट करके एक अच्छा सा डो लगा लेंगे। मसालेदार बाटी के लिए आटे को थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा तभी बाटी अच्छे से सेट हो पाएगी। देखो ये हमारा डो बन के तैयार हो गया है मसालेदार बाटी के लिए, यानी लच्छेदार बाटी के लिए। बाटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको कुकर के अंदर सेका जाएगा, फिर ये अच्छे से पक के फूल के एकदम मसाला बाटी बन जाएगी और फिर आपको देखना कैसा लगता है। ये कुकर के अंदर बाटी सीख के तैयार हो गई है। अब इसको आराम से फोड़ के इसके अंदर घी डाल के सर्व किया जाएगा। खाने में बहुत टेस्टी होती है जी। यह है मारवाड़ी खाना, दाल बाटी और चूरमा। ये देखो चूरमा बन के तैयार हो गया है देसी घी के अंदर। दाल बाटी और चूरमा ये राजस्थान का मुख्य भोजन है और बहुत पसंदीदा भोजन है ये मारवाड़ियों का, दाल बाटी और चूरमा।